नमोस्तनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीजन एवं सभी शास्त्र जिज्ञासुगण तथा संस्कृत शौर्यम के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पा रक्षणे पा पाने धातु का उसका संपूर्ण रूप कैसे चलते हैं, कैसे सिद्ध होते हैं, इस पर पूरा विचार किया गया। आज हम लोग आगे चलते हैं। धातु है ग्लई हर्षक क्षय। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि धातुओं के विषय में ऐसा क्रम नहीं है कि अकारांत इकारांत उकारांत एकारांत ओकारांत ऐकारांत उकारांत या हलंत में भी ककारांत इत्यादि इस तरह का क्रम हो। इसमें क्रम एक जो धातु पाठ का वो सिद्धांत कौमदी में, लघु सिद्धांत कौमदी में इन्होंने अर्थ की दृष्टि से कि किस किस अर्थ में धातुओं का स्वरूप होना चाहिए और धातु के रूपों में परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है उसको एक दृष्टि में रख करके लघु सिद्धांत कौमदीकार ने धातु पाठ में अपने धातु पाठ में उन उन धातुओं का संयोजन किया। जैसे अभी पीने अर्थ में उन्होंने पा पाने धातु का उल्लेख किया जो दीर्घ आकारांत है, और इसके बाद ग्लई हर्षक क्षय का उन्होंने उल्लेख किया। कारण ये है इसका भी आकारांत के जैसे रूप चलते हैं और ये हर्षक क्षय अर्थक जो ग्लई धातु है इसका वाक्य में प्रयोग भी पर्याप्त होता है। लघु कौमदीकार की जो दृष्टि है वो है कि वाक्य में प्रयोग के लिए जो जो धातु आवश्यक है और साथ में जिनमें रूप परिवर्तन एक विशेष रूप में भी होता है ऐसे धातुओं का उल्लेख किया जाए, ये उनकी एक दृष्टि रहती है। तो यहाँ पर भी आकारांत धातुओं को उन्होंने जैसे पा धातु को उल्लेख किया और पा धातु में लगने वाले जो सूत्र हैं वो ग्लई अर्थात ऐकारांत औकारांत या एकारांत जो धातु हैं उनमें चूंकि आत्त होता है, आत्त करने वाला सूत्र भी आपके सामने उपस्थित होगा, तो बहुत से सूत्रों की प्रवृत्ति ऐकारांत औकारांत आदि धातुओं में भी होती है। एतदर्थ यहाँ पर ग्लई हर्षक क्षय धातु का पाठ है सिद्धांत कौमदीकार ने किया। अब इसमें आप लट लकार आएंगे, लट में प्रथम पुरुष एक वचन ति प्रत्यय होगा, ग्लई ती बनेगा, ती के सार धातु संज्ञा करेंगे, शप प्रत्यय करेंगे और शप में शकार पकार की संज्ञा होने से अशेष रहेगा ग्लई आति। यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति है नहीं, सीधे एचो यावा यावा से आय आदेश हो जाएगा तो ग्ल आय अति वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ग्लायति, तो ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति, ये सब एक ही तरह के रूप चलेंगे। ग्लायन्ति में केवल इतना एक से कार्य होगा कि वहाँ अतो गुण से प्ररूप हो जाएगा, बाकी पूरी प्रक्रिया वही है। तो ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति, ग्लायस ग्लायथः ग्लायथ और ग्लायामि ग्लावा ग्लायावः ग्लायामः, यहाँ सब जगह अतो दीर्घ हो यहीं से दीर्घ हो गया। जैसे हमने बतलाया था कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन और विशिष्टता जो बनती है वो केवल दो लकारों की बनती है और वो एक आपका है लिट लकार और दूसरा लकार है लुंग लकार। तो लिट लकार इसमें भी एक स्वरूप बनेगा, कैसे बनेगा, क्या स्वरूप उसका होगा और कैसे पूर्व धातु से संबंधित सूत्रों की प्रवृत्ति होती है, आइए चल इस पर विचार करते हैं। तो ग्लई धातु से आपने लिट लकार किया, ग्लई ती बना प्रथम पुरुष एक वचन में ती को लाने का और ती के स्थान में
परस्मयी पदानाम अडल थुसुस्थल थसडल लोमाह सूत्रों से यहाँ तिप के स्थान में अडल आदेश करेंगे तो ग्लई आ बनेगा। अब यहाँ पर आपका सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा आदेश उपदेशे शिति। ये कहता उपदेशे एजंतस्य धातु रात्वम न तु शिति। उपदेश अवस्था में एजंत जो धातु, एजंत का मतलब हुआ एकारांत ओकारांत ऐकारांत औकारांत जो धातु, क्या होता है उसको आत्वम स्यात्, उसको आत्व होता है। तो क्या परे रहते आत्व होता है, तो कहा शित को छोड़ करके चाहे जो भी प्रत्यय परे हो, शित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। निषेध मुखेन कथन है, अर्थात शित भिन्न प्रत्यय परे रहते। तो शित भिन्न प्रत्यय यहाँ पर कौन है, यहाँ पर केवल वही है तीप है, तीप के स्थान में डल हुआ है, तो ग्लई का जो आई है उसके स्थान में आत्व हो जाएगा, तो गला अ बनेगा। यहाँ पर जो आ है सूत्र है लिट्सा, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, उसे अर्धात्मक संज्ञा हो जाती है, इसलिए और किसी प्रत्यय की प्राप्ति नहीं है। गला आ इस अवस्था में द्वित्वाधिकारी होंगे। हाँ, एक चीज़ और होगा, यहाँ पर एक सूत्र है आगे आहे, आगे आप लोग पढ़ सकते, आत औड़ला, आत से पर जोड़ल उसके स्थान में औ आदेश होता है, तो आत है ग्ला का आ, उससे पर यहाँ पढ़ल है उसके स्थान में औत आदेश हो जाएगा, तो ग्ला औ बनेगा। अब द्वित्वाभ्यास आदि करेंगे तो ग्ला ग्ला जगला बनेगा, तो ग्ला ग्ला जहालादि शेष करेंगे तो ग्ला ग्ला ग ग्ला बनेगा। और कुहुश्चु सूत्र से ग के स्थान में आप ज आदेश करेंगे तो जगला बनेगा, और जगला औ इस अवस्था में आप वृद्धि कर दी तो जगलऊ बन जाएगा। अतुस उस वगैरह जितने आएंगे वहाँ पर सब जगह है, आपका सूत्र लग जाएगा आतोलोपिच्चा से आकार का लोप हो जाएगा, तो जैसे वहाँ पर पपऊ पपतुह पपुह रूप बनता हो, ऐसे यहाँ पर भी जगलऊ जगलतुह जगलुह और जगलिथ जगलाथ, जैसे वहाँ पर पपित पपाथ दो रूप होते, इसे जगलित जगलाथ ये दो रूप हो जाएंगे, और जगलथु जगल और जगलऊ जगली व जगलिम, ये आप रूप के आपके बनेंगे। इसके अनंतर आपका लिट लकार है, जिसका ग्लाता ग्लातारो ग्लातारा ही होगा, क्योंकि ग्ला ग्लई और ती ती पाएगा, ती रहेगा, और यहाँ पर शब को बांध करके यहाँ पर आपका तास प्रत्यय होगा, और तास की अर्धातुक संज्ञा होने से आदेश उपदेश शिद के द्वारा यहाँ पर आत्म करके ग्ला तास ती, और ती में लुटा प्रश्न डारो ऐसा डा करेंगे, डकार में केवल आ बचेगा, और टेस टी का लोप होने से तास में जो आस इतना अंश है उसका लोप हो जाएगा, तो ग्ला तो आ मिला देंगे तो ग्लाता, तो ग्लाता ग्लातारो ग्लातारा, वहाँ पर जो है तास के सकार का ऋचा सूत्र से लोप होगा, तो ग्लातारो ग्लातारा बन गया। ग्लातासी में यहाँ पर जो है तासस्थ्य लोपा से तास के सकार का लोप हो जाए, तो ग्लातासी हुआ, ग्लातास्था ग्लातास्था, इसमें तास के सकार का लोप नहीं होता, तो यहाँ श्रुत होगा, उसका श्रवण होगा, तो ग्लातास, तो जो है ग्लातासी ग्लातास्था ग्लातास्थ ग्लातास्मी ग्लातास्वा ग्लातास्मी। इसी प्रकार जब लिट लकार लाएंगे स्य हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आत हो जाए, तो ग्लास्यसि ग्लास्यसा ग्लास्यन्ति ग्लास्यति ग्लास्यतः ग्लास्यन्ति ग्लास्यसि ग्लास्यतः ग्लास्यथ ग्लास्यामि ग्लास्यावा ग्लास्यामि, ये आपका रूप चलेगा। अनंतर आपका आता है लोट लकार, तो लोट लकार में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लट लकार है केवल उसी तरह का है, ग्लायत या बनाना और एरू से ई के स्थान में ऊ कर दिया तो ग्लायत बन गया, तू यो स्तातंग शिशन स्थान से तातंग करे तो ग्लायतात बन गया, और वहाँ पर चूंकि लोट और लंगव से लंगपत भाव होता है, तो तस थस बाम तम तम तामह सूत्र से यहाँ पर तस के स्थान में थस के स्थान में थ के स्थान और मिप के स्थान में क्रमशः ताम तम त अम आदेश हो जाएंगे, तो रूप क्या बन जाएगा, जैसे भवत भवतात भवतम भवंतु, वैसे ग्लायत ग्लायतात ग्लायताम ग्लायंतु, जैसे भव भवतम भवत वैसे ग्लाय ग्लायतात ग्लायतम ग्लायत, और जैसे भवानी भवा भवामा उसे ग्लायानी ग्लायाव ग्लायाम, ये इस तरह का रूप चल गया। अब आया आपका लंग लकार,
तो अग्लायत अग्लायतम अग्लायन अग्लाय अग्लायतम अग्लायत अग्लायम अग्लयाव अग्लयामो, इस तरह से रूप चल जाएगा। अब आएंगे आप लिंग लकार, जैसे भवेत भवेताम भविष्य ग्लायत ग्लायताम ग्लायु ग्लाये ग्लायतम ग्लायेत और ग्लाये यम, जैसे भवेयम उसी ढंग से ग्लाये यम और ग्लायेव ग्लायेम, ये रूप इसके सिद्ध होते हैं। अब जब आप आते हैं आशीष लिंग लकार लाते हैं, तो लिंग लकार हुआ तिप प्रत्यय हुआ आशीष लिंग में, आशीष लिंग लोटो सूत्र से यहाँ पर लिंग लकार होगा, गलई ती बनेगा, गलई ती इस अवस्था में अब क्या करेंगे तो यासुट करेंगे, इतस्य इकार का लोप कर देंगे, तो ग्लय यास त बनेगा। अब यहाँ चूंकि शीत परे नहीं है इसलिए यहाँ पर भी आत्तो हो नित्य आत्तो पाव होगा प्राप्त होगा आतोलोप नहीं आदि चुपते शीत, उसको बात करके यहाँ सूत्र लग जाएगा वान्यस्य संयोगादे। ये कहता है घूम आस्थादे रण्य संयोगादे धातु रातः एत्वम वा आर्धातु के कितलिंग। तो चूंकि यहाँ पर किदाशी से याशुट को किदवत भाव है तो कितलिंग परे हो गया, आर्धातुक संज्ञा है ही है, तो घूम आस्थादि से अन्य यहाँ पर क्या है ग्लई है, तो ग्लई के ऐ को विकल्प से जो है वो जो आत्व है उसको एत्व हो जाएगा, आतिशय से तो नित्य आत्व हो जाएगा किंतु आ के स्थान में एत तो जो है विकल्प से होगा, क्या पर रहते कितलिंग पर रहते, तो जब एत हो जाएगा तो ग्लेयात बने रूप बने और जब नहीं होगा तो ग्लायात, इसलिए दो रूप इसमें बनेंगे आशीष लिंग में ग्लेयात ग्लेयास्तम ग्लेयासु ग्लेयाह ग्लेयास्तम ग्लेयास्त ग्लेयासम ग्लेयास्व ग्लेयास्म, और जब एत तो नहीं होगा तो ग्लायात ग्लायास्तम ग्लायासु ग्लायाह ग्लायस्तम ग्लायस्त और ग्लायासम ग्लायस्व ग्लायस्व, तो ग्लायास्व ग्लायास्म, इस तरह से ये दो 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 रूप इससे बनते हैं आशीष लिंग लकार में, शेष में एक एक ही रूप बनते हैं, ये इसका एक वैशिष्ट्य है। अब आइए हम लोग चलते हैं लुंग लकार का सिद्धि कैसे बने। तो आप ग्लई हर्ष क्षय धातु उसे आपने लुंग लकार लाया और लुंग में भी अडागम हो गया, प्रथम पुरुष में एकत्र की व्याख्या में ती प्रत्यय हुआ अग्लैती बना, ठीक है आप सार्धातुक संज्ञा करेंगे कर्तर शब्द से शब करना चाहेंगे तो शब को बांध करके आप चिली लुंग से चिली होगा, चिली के स्थान में सिच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अग्लै सात। अब ऐसी अवस्था में सिच के सकार की अर्धातुक संज्ञा होगी और आर्धातुक संज्ञा होने के पश्चात सार्वधातु का अर्धातु से यहाँ गुण जो है ईडागम प्राप्त होगा और उस ईडागम का आ जो है एकाच देशन उदात्ता सूत्र से उसका निषेध हो जाएगा, परंतु यहाँ सूत्र उपस्थित होगा यम रम नमाताम सक्ष, ये सूत्र कहता है कि ए शाम सक्ष्यात एभ्या सिचह इट स्यात परस्मै पदेश, सूत्र कहता है कि यम धातु रम धातु नम धातु और आकारांत धातु इनसे विहित जो सिच है उसको इडागम होता है और इन धातुओं को सक का आगम होता है। तो देखिए प्रयोग हमने क्या बनाया है अ गला, क्योंकि गला ग्लई के ऐ को यहाँ पर आदेश उद्देशित से सिच का सिच या असित परे है इसलिए यहाँ पर आत्म हो जाए तो अ गला सा नहीं आ गला सा ई आ गला सा ई सा ता, तो गला हमने तो अ हो गया अडागम वाला आ गला आपका धातु हो गया जिसको आत हो गया और सिच सक वाला सा हो गया तो आ गला स और फिर इडागम चूंकि सिच के सकार को इडागम हुआ तो इडागम का ई हो गया इसके बाद सिच का सकार हो गया और फिर ता हो गया अ गला स ई सता, ये स्थिति है। इसके अनंतर क्या होगा कि अस्त सुप्रयुक्त सूत्र से यहाँ पर ईट का आगम हो जाएगा तो अ गला स ई स ई
ता, ये स्थिति है। अब ईट ईट से यहाँ पर सिज के सकार को आप लोप कर दीजिए, तो अ ग्लास ई ई त, अब दोनों ई को यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो अ ग्लास ई त वर्ण सम्मेलन होने पर अ ग्लास सीत। अब इसके बाद द्विवचन में अग्लासिष्टम अग्लासिशुहु अग्लासीह अग्लासिष्टम अग्लासिष्ट और अग्लासिशम अग्लासिश्व अग्लासिश्म, ये रूप इसका चलेगा। यद्यपि ये धातु अनिट है किंतु वह विशेष रूप से इट का विधान हो रहा है, इस कारण से ये सेट जैसे इसके रूप चलेंगे। लृंग लकार में कोई दिक्कत नहीं है, अपने अ ग्लई टी बनाया इकार के संग ग्लई त, और यहाँ पर जैसे आपने शतासी लृट से स्य आदेश किया शब को बांध करके, तो अग्लई स्या त बनेगा। अब यहाँ पर जो है आपका जो सूत्र है आदेश उपदेश से आत तो हो जाएगा, तो अग्ला स्य त वर्ण सम्मेलन कर देंगे, तो अग्लास्यत अग्लास्यताम अग्लास्यन अग्लास्य 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 अग्लास्यतम अग्लास्यत अग्लास्यम अग्लास्याव अग्लास्या, इस तरह से आपका लृंग लकार में आपका रूप चलेगा। तो ये ग्लई हर्ष क्षय धातु का यहाँ पर जो रूप परिवर्तन हुआ, जो स्वरूप में स्थिति बनी, वो वस्तुतः केवल दो जगह है, बाकी इसका रूप जो है वो लट लकार में और आपका लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इन तीनों जगह पर आई को आत्व तो नहीं होता है, अपितु आयादेश होकर के और बाकी कार्य बन करके और रूप की सिद्धि होती है। किंतु लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, आशीष लिंग लकार, लुंग लकार और लृंग लकार, इनमें सब जगह है आदेश उपदेशित सूत्र के द्वारा आत्म होकर के बाकी कार्यों की सिद्धि होती है। एक यह स्वरूप हुआ। दूसरा क्या है कि आशीष लिंग लकार में वहाँ पर उसको ई जो है ईत तो जो है ईत के जगह एत तो होता है और विकल्प से होता है, तो एत तो विधान होता है, इसलिए ग्लेयात ग्लायात ये दो रूप, दो तरह के रूप चलते हैं। इसलिए आशीष लिंगकार में दो प्रकार के रूप होंगे, एक एकार रूप, एकार विशिष्ट रूप और एक एकार रहित रूप, अर्थात ग्लेयात ग्लेयास्तम ग्लेयासु और ग्लायात ग्लायास्तम ग्लायासु, शेष प्रक्रिया वही है। लुंग लकार में चूंकि शेठ धातु होने पर भी एक अलग सा सूत्र जो लिखा गया, यम रवनवाताम सक्षत, ये सक का आगम करता है और चिली को सिच होकर के इडागम वगैरह करके और बाकी की प्रक्रिया को निर्वाहन किया जाता है। तो इस तरह से एक इसका भिन्न स्वरूप है अन्य स्वरूपों की अपेक्षा। इसमें आकारांत धातुओं की भी स्वरूप की स्थिति है और ऐकारांत धातुओं की जो स्वरूप की स्थिति होती है वो भी है। सार्वधातुक स्थल में ऐकारांत के जो स्वरूप की स्थिति है वो है, किंतु अर्धातुक स्थलों में सर्वत्र आत्म होकर के पापाने धातु का जो स्वरूप चलते हैं उससे मिलता जुलता स्वरूप इसका रहता है, तो ये स्थिति है। अगला आपका धातु है ह्री कौटिल्य। ह्री कौटिल्य में भी आगे चल के जैसे कहाँ कहाँ रूप परिवर्तन हो कैसे हो उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य का मतलब होता है कुटिलता, कुटिलता का एक दूसरा भाव हो टेढ़ापन, तो जहाँ टेढ़ापन का स्वरूप हो वहाँ ह्री धातु का ह्वरति ह्वरता ह्वरन्ति ऐसा रूप चलता है। आपका ह्री धातु से लट होगा, तिप होगा, शप होगा, शकार पार की संज्ञा होकर के ह्री आति बनेगा। सार धातुकार से गुण करेंगे और गुण में अगुण होगा रे और वर्ण से रपर हो जाएगा, तो व अर आति बनता है वर्ण सम्मेलन पर ह्वरति, तो ह्वरति ह्वरता ह्वरन्ति, ह्वरसि ह्वरता ह्वरथ और ह्वरामि ह्वरावः ह्वरामः, ऐसा आपका इसका रूप चलेगा। और जब आप यहाँ पर सूत्र क्या कहते हैं लिट लकार लाते हैं, तो लिट लकार में कैसे चलेगा,
तो यहाँ पर भी हुरी धातु है, उसे आपने लिट लकार किया, लिट में यहाँ पर तिप प्रत्यय हुआ, तिप के स्थान में ढल आदेश हो जाएगा, हुरी और रूप बनेगा। अब यहाँ पर लिट धातु रण अभ्यास से आप द्वित्व अधिकार करेंगे, द्वित्व करेंगे तो हरी हरी बनेगा, और जब अभ्यास से चर से यहाँ पर चर तो चर तो इसे होगा नहीं, तो कुहोष्टु सूत्र से यहाँ पर हौ के स्थान में चवर का विधान होगा। तो हौ के स्थान में चवर का कौन होगा? तो हा का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवारनाद घोष और महाप्राण प्रयत्न। अब देखिए संवारनाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाला कौन सा ऐसा वर्ण है जो कवर का है? तो ऐसा है केवल घ, जो ऐसा बढ़ेगा आपका जो है। देखिए संवारनाद घोष आपका प्रयत्न है जा का, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइयन गौ के स्थान में होगा, नहीं हुरी धातु है नारायण, हुरी धातु ह है तो घा पड़ेगा, तो घा हुरी आ बनेगा, और घा को आप जस्त करेंगे तो जा होगे, तो जा हुरी आ बनेगा। अचूर्ण इसे वृद्धि कर देंगे तो हुरी के री को वृद्धि होगी आर, तो बन जाएगा ज वा र ऐसा रूप बनेगा ज फार। जब अविभक्ति लाएंगे तो क्या होगा यहां पर? तो जा हुई आपका विभक्ति आया यहां पर तस प्रत्यय हुआ, तस के स्थान में जो है अड़ल अतुस हुआ, जा हुई अतुस। अब यहां पर वस्तुतः यण की प्राप्ति है, जा तो हुई अतुस में द्वित्वाधिकार हो जा हुई अतुस होगा, यण कार्य प्राप्त होगा, उसको बांध करके सूत्र लगाया ऋतश्च संयोगादि गुण का ऋदंतस संयोगादि अंगस गुण लिट। तो संयोगादि ऋदंत जो अंग, संयोगादि ऋदंत जो अंग ऐसा कौन हो जाएगा? हुरी। और क्या होगा यहाँ? अच्छा एक चीज बताना भूल गया कि वहां पर जो आप जब द्वित्व आदि कार्य करते हैं, द्वित्वाभ्यास कार्य करते हैं, तो ह्री 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 है ना, तो ह्री ह्री आ ऐसा बनता है। अब यहाँ पर एक तो आपने ह के स्थान में घा किया जस्त करके ज करेंगे, किंतु री जो है वो एक सूत्र है उरत, तो अभ्यास संबंधी जो रिकार उसके स्थान में अकार होता है, तो और वो उरण रपरा से रपर भी होगा, तो हर हुरी ता ऐसा, हर हुरी अ ऐसा बनेगा, और हलादि शेष करने से हा हुरी ता हा हुरी अ बनेगा, और उस हा के स्थान में आपने जो घा किया और जस्त किया तो जा हुरी अ, अब जो है आपका अचोणी से वृद्धि होकर के जहवार ऐसा रूप बनेगा। पुनः एक बार सुन लीजिए, रुई धातु लट लकार लिट लकार तिप प्रत्यय उसके स्थान में डल आदेश रुई अ, द्वित्वाभ्यास कार्य हो गया तो ह्री 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 अ, जो है उरस से अत, और क्या कहते हैं उड़ से रपर, हर ह्री आ आ बनेगा, और इसके अनंतर कुहोश्च सूत्र से हकार के स्थान में घा, भ्याचेसर से जस्त, तो जा हुई अ बनेगा, और अचूर्ण से वृद्धि होकर के जा फार अ, वर्ण सवेले जब फार अतुस आएगा, जा हुई अतुस, इतना समझे रहिए। अब यहाँ पर यण कार्य प्राप्त होगा, उसको बात करके यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा ऋतस्य संयोग आदिर गुण, तो संयोगादे इसलिए उन्होंने लिखा है ऋदंत संयोगादे अंगस, आप थोड़ा सा पलट दीजिए, संयोगादे ऋदंतस्य अंगस, संयोगादि ऋदंत जो अंग ऐसा अर्थ करिए, थोड़ा अन्वय कर लीजिए, संयोग है आदमी जैसे ऐसा जो ऋदंत अंग, तो संयोग यहाँ लिखा है ऋदंत संयोगादे अंगस, आपको मना लेना है संयोगादे ऋदंतस्य अंगस,
संयोग है आदमी जैसा ऐसा जो रिदंत अंग, वो क्या होगा आपका जो है जा फ्री इतना पूरा होगा। उसको क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। क्या परे रहते गुण होना चाहिए, तो लिटी लिट परे रहते होना चाहिए। तो गुण हो गया, तो गुण होने से क्या बने, गुण कहाँ होगा, अंत्य अल को होगा, अलंत्य सूत्र की सहायता से। तो री को गुण होगा, री का जो री उसको गुण होगा, अर गुण होगा। तो जब फर अतुस वर्ण सम्मेलन करेंगे तो जब फर अतुस सकार को रुद्र मिश्र है, जब फर अतुह और झी में उस हो जाए जब फरुहु, इसके बाद जब फर्थ, ये रूप बनेगा आपका एक ही रूप बनेगा, क्योंकि जो रिकार रिकार रिकारांत तो जो है उसमें नित्य जो है अनिट हो, इसलिए जवफर्थ जवफरित जवफर्थ नहीं बनेगा, जवफर्थ ही बनेगा। और जवहरथु में यहाँ गुण होगा जवहरथु, इसके बाद जवफर बनेगा जो है बहुवचन में, और मिप में जोड़ल होगा उसमें ढरुत्वो वा से विकल्प से ऋणित मदभाव होने से जवफर जवफार ये दो रूप बनेंगे। और इसके अनंतर जो है बस मस में वामा आदेश और उनको इडागम हो जाएंगे क्रादिनियम से, इसलिए इडागम होने के कारण यहाँ पर जब गुण वगैरह करेंगे तो जवफरी व इडाग तो जवफरी व जवफरी ये रूप बनेगा। इस तरह से इनका स्वरूप सिद्ध होता है। लुट लकार में हरता हरतारो हरतारा हरतास हरतास्थ हरतास्थ हरतास्मी हरतास्व हरतास्म, कोई दिक्कत इसमें नहीं, केवल गुण करना है और बाकी सब प्रक्रिया वही है। इसके बाद जो है आपका जो है आपका जो रूप है आगे सूत्र लगता है हरिष्यति बनेगा कि हृष्यति बनेगा, क्या होगा, क्योंकि अनिट धातु है। तो यहाँ पर लृट लकार में क्या होगा, हृई धातु है, लिट लकार हुआ तिप प्रत्यय, लृट लकार हुआ तिप प्रत्यय हुआ, हृई ती बनेगा, ती की सार्वधातु संज्ञा, शब की प्राप्ति, शब को बात करके शतासिलो से स्य का विधान हृई स्यति। अब यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ जो है इडागम हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता इडागम, क्योंकि आदेश वो क्या नाम है सूत्र जो आपका एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र से निषेध होगा, अनुदाता धातु है, इसलिए पृथक सूत्र यहाँ पर उपस्थित हुआ। कौन सूत्र है वो, ऋद्धनो से, ये कहता है कि ऋतः हंतेश्चस्य इट स्यात्, रिकारांत जो धातु और हर धातु उसके स्य प्रत्यय को इडागम होता है, तो स्य प्रत्यय है ये यहाँ पर, और ये ऋदंत धातु स्य को इट का आगम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वर ई स्याति, वर्ण सम्मेलन कर दिए, भरिष्यति भरिष्यता भरिष्यन्ति भरिष्यति भरिष्यता भरिष्यत हरिष्यामि हरिष्याम हरिष्याम, ये इसका रूप चल गया। इसके अनंतर आप लोट लकार लाएंगे तो हरत हरतात हरताम हरंतु, वर हरतात हरतम हरत और हराणी वराव वराम, ये आपका लोट लकार हो गया। लंग लकार में अहवरत अहवरताम अहवरन, अहवरह अहवरतम अहवरत, अहवरम अहवराव अहवराम। लिंग लकार में हरेत हरेताम हरेयु, हरे हरेतम हरेत, हरेयम हरेव हरेम। और जब आपका आशीष लिंग लकार आएगा तो ऐसी अवस्था में क्या रूप बनना चाहिए उसका, तो कुछ लोग तो यह कहेंगे कि यहाँ पर यासुट वगैरह हुआ, रुई यास वगैरह बनेगा, और वहाँ पर रिंग सैंग लिंग इत्यादि से किसी से यहाँ पर रिंग आदेश होगा तो हृयात हृयाता हृयु ऐसा बनना चाहिए। किंतु सूत्रकार कहते हैं नहीं, गुणोर्ति संयोगाद्य का अर्थे संयोगादे हृदंतस्य च गुण स्याद यक यादव सार्वधातु के कित लिंग, ये कहता है कि ऋकारांत जो धातु तो अर्थे संयोगादे हृदंतस्य माने री धातु और संयोगादि हृदंत धातु दो है, अर्थे का मतलब री धातु और संयोगादि ऋदंत धातु, उसको क्या होता है गुण होता है, क्या परे रहते का यक परे रहते और यादव आर धातु के लिंग चाहिए।
यकारादि आर्धातुक संज्ञक लिंग के परे रहते हैं। यहां पर क्या है? तो यहां है यकारादि आर्धातुक लिंग, क्योंकि यहां पर जो या सता है, हुरी या सता बना हुआ है। यहां पर यास की किदाशी सूत्र से यासुट को यहां पर जो है, नहीं लिंगाशी सूत्र से यहां इसकी अर्धातुक संज्ञा यास्ता इतने की, तो अर्धातुक संज्ञा होने के कारण यहां पर अर्धातुक हो गया। तो उसके परे रहते यहां जो री है, री का जो री है उसके स्थान में क्या होगा? गुण हो जाएगा। तो गुण होने से क्या बन जाएगा? हर। तो हर यास यास्ता में जो स है यास का, उसका उसको संयोग सूत्र से लोप हो जाएगा, इसलिए हरियात ऐसा रूप बनेगा। हरियात, हरियास्तम, हरियासु, हरिया, हरियास्तम, हरियास्त, हरियासम, हरियास, हरियास्व, हरियास्व। ये हो गया आपका आशीष लिंग लकार। अब आप आ गए लुंग लकार में। लुंग लकार में क्या रूप बनेगा? तो यहां पर आपका रुई धातु है, लुंग लकार हुआ, अडागम हुआ, और प्रथम पुरुष एकवचन हो गया आपका तिप होगा। आ रुई ती बनेगा, ती में इकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, ती की सार्धातुक संज्ञा प्राप्त होगी, सार्धातु को बांध करके यहाँ पर चिली होगा, सिच हो जाएगा। आ रुई स त, ये ऐसा इसका स्वरूप। ऐसी अवस्था में यहाँ पर क्या है कि चूंकि अनिट तो आ ह्री स त इस अवस्था में जिसके सकार की अर्धातुक संज्ञा है ही है, और यहाँ जो एक पहला सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था और वो सूत्र आपका है अतो हलादिर लघो नारायण, एक मिनट बताते हैं। तो उस धातु से यहाँ पर, क्योंकि ये अजंत है धातु है, तो अजंत होने के कारण इसमें अतो हलादेर लघो हो, ये तो केवल अच को वृद्धि करता है, इसलिए ये सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो सूत्र है जिसको वृद्धि करना है, ये सूत्र आपका लगेगा सिच वृद्धि प्रस्मय पदेश। तो सिच वृद्धि प्रस्मय पदेश सूत्र से यहाँ पर इसको दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि इगंतांगस्य वृद्धि स्यात् परस्मै पदे सिच, इस सूत्र का अर्थ है। तो इगंतांग यहाँ पर कौन हो गया? हुरी हो गया, उसको वृद्धि होगी। तो हुरी को वृद्धि, री को वृद्धि क्या होगी? आर वृद्धि हो जाएगी। तो अह्वार स त बनेगा। वृद्धि किससे हो रही है? सिच वृद्धि परस्मै पदे, क्यों? इगंतांग, इगंत में यहाँ पर री हो गया, एक हो गया, तो उसके अंतर्गोणों से इगंतांग हो गया आपका हुरी। तो आह्री सता ये है, और वृद्धि होने से आर वृद्धि हो, तो अह्वार स ता बनेगा। ता को अस्त से प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम हो जाता है, तो अह्वार स ई त बनेगा। अब यहाँ वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, और जो रेप है ये इट प्रत्याहार में भी आता, इण प्रत्याहार में आता, तो इण प्रत्याहार में आने से यहाँ पर उस रेफ से पर जो सिच का सकार है उसको आदेश प्रत्यय यो सूत्र से षत्व का विधान हो जाएगा। तो आह्वारशीत ऐसा रूप बनेगा। तो आह्वारशीत, आह्वारष्टाम, आह्वारशुह, आह्वारशीह, आह्वारष्टम, आह्वारष्ट, आह्वारशम, आहारश्व, आहारश्म। तो ये इसका पूरा रूप चलेगा। और आपका जो लृंग लकार है उसमें रिद्धनो से इस सूत्र के द्वारा चूंकि इडागम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर सार्वधातुकारक है उसके गुण हो करके, और इडागम होने के कारण अहरिष्यत, अहरिष्यताम, अहरिष्यतम, ताम, अहरिष्यन, फिर से सुन लीजिए, अहरिष्यत, अहरिष्यताम, अहरिष्यन, अहरिष्य, अहरिष्यतम, अहरिष्यत, अहरिष्य, अहरिष्यम, अहरिष्याव, अहरिष्याम। इस तरह से ये आपका पूरा
रूप आप जो है ये बताया गया हुरी कौटिल्य धातु का। अब एक बड़ा जो है अत्यंत आवश्यक धातु है जिस अर्थ में हो रहा है वो है श्रु श्रवणे, श्रवण अर्थ के लिए श्रु धातु। श्रु धातु से आप लट लकार करेंगे वर्तमान लट से, ती प्रत्यय करेंगे श्रुति बनेगा। श्रुति इस समय ती की सार्वधातु संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर कर्तर शब सूत्र से शब की प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था में आपका ये सूत्र उपस्थित होता है श्रुवा श्री च, ये कहता है कि जो श्रु धातु है उस श्रु धातु को श्री आदेश होता है और चकारात उष्णु प्रत्यय का विधान होता है, अर्थात शब को बांध करके यहाँ पर उष्णु प्रत्यय हो जाएगा और श्रु की जगह श्री हो जाएगी। श्नु में जो श है उसको लशक को तत् से संज्ञा लोप हो जाए, केवल नु बचेगा, तो श्री नु ती बनेगा। श्री नु ती इस अवस्था में नु का जो ऊ है उसको सार धातु का अर्थ से गुण कर दीजिए तो श्री नो ती बनेगा। अब यह जो नु का जो नौ है उस नकार को आप णत्व कर दें, रिवर्णा नस णत्व वाच्यम, रिवर्ण से पर जो नकार उसको णत्व होता है तो णत्व हो गया तो श्रीणोति बन गया। जब तस लाएंगे तो तस की जो क्या है वो सार्वधातुक संज्ञा है और वो अपित है तो सार्वधातुक अपित सूत्र है, अपित सार्वधातु गीतवत से आता, अपित सार्वधातु गीतवत होता है, तो गीतवत होने के कारण यहाँ पर पुगंत लघुत से गुण का निषेध हो जाएगा, फलतः यहाँ गुण नहीं होगा तो श्रीणोत श्रीणुतः ऐसा रूप बनेगा। नकार कुणत्व होने से श्रीणुतः, और जब जी आएगा उसके स्थान में अंत आदेश हो जाएगा तो श्रु अंत ही रहेगा। अब यहाँ पर श्रु को श्री चकारात उष्णु शकार की संज्ञालोक श्री नु अंत, नकार कुणत्व कर दीजिए श्रीणु अंति और यण कर दीजिए तो श्रृणवंति, तो श्रृणोति श्रृणुतः श्रृणवंति, श्रृणोष श्रृणुतः श्रृणुत और श्रृणोमि श्रृणवः श्रृणवः श्रृणुमः श्रृणमः, ये दो दो रूप बनते हैं। कैसे बनते हैं ये तो इनको हम लोग बताते हैं। दूसरे यहाँ पर जो यण कार हो रहा है श्रृणवंति में, वहाँ यण करने वाला इको यण सूत्र नहीं है, उसे यण नहीं होगा क्योंकि उस तो यहाँ पर सूत्र उपस्थित है उष्णवो सार्वधातु के, ये कहता हु धातु और उष्णु धातु, उष्णु इनके जो अनेकाच अंग ऐसा जो है और असंयोग पूर्वस्य उवर्ण से, ऐसा उवर्ण जिसके पूर्व में संयोग ना हो उसको यण होता है। तो यहाँ पर श्रेणु अंति में यहाँ जो ऊ है उसके पर रहते कोई भी संयोग नहीं है क्योंकि वहाँ पर णु लिखा हुआ है तो णु तो णा है, णाव असंयुक्त है, तो इसलिए इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे उवर्ण को यण हो जाएगा और अच पर रहते अंति का आकार है तो ये उष्णवो सार्धातु के संयण विधान होगा। सूत्र का अर्थ है कि हु धातु और उष्णु प्रत्यय और तदंत जो शब्द, उस शब्द का जो संयोग पूर्व में नहीं है ऐसा जो उवर्ण ऐसा हो गया आपका श्रृण में णु का ऊ, उसको यण होता है। अजादि सार्वधातु प्रत्यय अजादि सार्वधातु का आपका अंति यण हो गया तो श्रृणवंति हो गया, श्रृण श्रृण था श्रृणत और श्रृणोमी, ये इतना बता ही चुके हैं। विशेष रूप जो है वस और मस के परे रहते, सूत्र है लोपश्चान्यतरस्यां मो, ये भी वही कहता है संयोग पूर्व में नहीं है जिसे ऐसा जो प्रत्यय का उकार, तो क्या करते हैं उस उकार का, कहे लोपो वा, लोप होता है विकल्प से, क्या परे रहते मोह परयो माने वस और मस के परे रहते। जैसे यहाँ पर श्रु वस श्रु मस आपने बनाया, यहाँ पर श्रुवा श्री चा सूत्र से श्रु को यहाँ पर श्रु आदेश किया और जो है श्रु को श्री आदेश और चकारत उष्णु किया तो श्रु नु वस श्रु नु मस, नकार कोणत्व तो आपने कर दिया तो श्री नु नकार कोणत्व
तो श्रीणु वस श्रीणु मस। अब यहाँ पर ये सूत्र आके क्या कह रहा है कि जो श्रीणु का जो ऊ है उसका विकल्प से लोप होगा, तो जब लोप कर दें आप तो क्या हो जाएगा, श्रीण वस श्रीण मस ऐसा बन जाएगा, और जब सकार करो तो श्रीण वह श्रीण मह, चूँकि विकल्प से लोप होता है तो जब लोप नहीं होगा तो आपका बनेगा श्रीणु वस श्रीणु मस, और सकार मकार करो तो श्रीणु वह श्रीणु मह। तो फिर से पुनः पूरा रूप सुन लीजिए, श्रीणोत श्रीणुतः श्रीणवंती, श्रीणोसि श्रीणुतः श्रीणुथ, श्रीणोमि श्रीणवः श्रीणुवः, श्रीणमः श्रीणुमः। ये रूप आपका ये सिद्ध हुआ। इसके अनंतर आपका लिट लकार आता है, श्रू धातु लिट लकार, टिप प्रत्यय अड़ल आदेश श्रू आ बनेगा। अब द्वित्व कर दीजिए तो श्रू श्रू शु श्रू बनेगा, तो श्रू श्रू आ है। अचोणी से वृद्धि कर दीजिए तो को वृद्धि कौन हो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो ये चाव से आव आदेश हो जाएगा, तो सुश्राव ऐसा बन जाएगा। जब द्विवचन आप जो है तस लाएंगे, तस के स्थान में अतुस आदेश कर दें तो श्रु अतुस, यहाँ पर ताभ्यास आदि कार्य करेंगे तो क्या बनेगा, सुश्रु अतुस। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी यद्यपि यण कार्य प्राप्त होता है किंतु उसको बात करके ए रहने का जो संयोग पूर्व सूत्र से यहाँ पर उबंग आदेश हो जाता है, तो श्रु शु श्रु श्रु श्र उबंग अतुस। उबंग में केवल उब इतना अवशेष रहता, उमे वा का उबंग में गकार की और वा के अ की संज्ञा लोप होने से उब रहेगा, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शुश्रु व अतुस। वर्ण सम्मेलन का शुश्रु वतुस सकार को शुश्रु, तो शुश्रवतुः शुश्रुवुः, शुश्रोथ थल में शुश्रोत यहाँ पर गुण हो जाएगा, और शुश्रुवतुः अतुस में, और शुश्रु ये जो है थस था था में जो है अ आदेश हो, शुश्रु होगा वहाँ पर गुणव आदेश। इसके बाद शुश्राव शुश्रव ललुत्तमो वा, जब यहाँ पर निद्वत भाव जब ललुत्तमो वा से विकल्प से निद्वत भाव होता है, एक बार निद्वत भाव रहेगा अर्थात उसको नित माना जाएगा तो अचोड़े से वृद्धि हो शुश्राव बनेगा, जब नहीं होगा तो वहाँ पर गुण हो जाएगा सार्वधातु का अर्धातु कयो से, तो सुश्रव बनेगा रूप, दो रूप बनते हैं। और इसके अनंतर जो है द्विवचन में शुश्रुव और बहुवचन में शुश्रुव, इस तरह से ये रूप पूरा बनता है। और लिट लुट लकार में श्रोता श्रोतारो श्रोतारः श्रोतास श्रोतास्थ श्रोतास्थ श्रोतास्मि श्रोतास्व श्रोतास्म। और इसके बाद जब आप लिट लकार करेंगे तो श्रुति, और ती की सार्वधातु से शब की प्राय शको बांध करें सतासी लृढ़ से स्य प्रत्यय श्रु स्याति। अब यहाँ ईडागम वगैरह कुछ होना नहीं है तो स्या की चूँकि अर्धातु संग है जैसे सार्वधातु का अर्धातु से श्रु के ऊपर गुण हो गया तो श्रो स्याति। अब श्रो का जो ओ है वह इण प्रत्याहार में चूँकि आता है इसलिए इण से पर जो यहाँ पर प्रत्यावयव सकार है स्या का स उसको शप कर दिया जाते शप प्रत्यय योग सूत्र से, तो श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि श्रोष्यतः श्रोष्यथ, श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्याम, ये लोट लकार का नारायण लिट लकार का। इसके बाद लोट में आ जाइए तो श्रीणोति बना लीजिए और ती को ऊ कर दीजिए, ती के ई को एरु सूत्र, तो श्रीणोतु श्रृणुतात् श्रृणुताम श्रृणवंतु श्रृणोसि श्रृणुतात् श्रृणुतम श्रृणुत और श्रृणवानी बन जाएगा, कि वहाँ पर जो है आपका मेरनी सूत्र से नी हो जाता है और नी हो करके और आडुत पीछे से यहाँ पर आठ का आगम हो जाएगा, तो और शप भी है श्नु प्रत्यय, तो पहले आपका मिप प्रत्यय हुआ और श्रुवा शीचे श्रु और को श्रीभा
और श्नु प्रत्यय इतना होगा, तो श्री नु मी ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर आप जो है श्रुनी श्रु नु मी में यहाँ पर मेरनी से नी कर देंगे और आठ का जो है आडुत्तम से पिच यहाँ से आठ का आगम कर देंगे तो श्रेणु श्रेणु आ नी। अब यहाँ पर जो नु का ऊ है उसको गुण करेंगे, सार्वधातु का अर्धातु का से गुण होगा, अवादेश हो जाएगा तो श्री ण अव आनी, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, श्रृणवानी श्रृणवाव श्रृणवाम, क्योंकि यहाँ सब जगह पितपत भाव हो जाता है, आडुत्तमस्य पिच लोडुत्तमस्य आडागमस्यात्, तो पितपत भाव होने से यहाँ पर गुण का निषेध कहीं नहीं होगा, नहीं अपि सार्वधातु गिद्वत होने से यहाँ पर उस गुण का निषेध होना प्रारंभ होता है, विशेष करके श्रृणवाव श्रृणवाम, परंतु वहाँ भी नहीं होता है और गुणादि होने के कारण अनंतर यहाँ पर चूँकि आ हई है तो श्रृणवा आ आठ का आगम है तो श्रृणवा व श्रृणवाम ये बनेगा। लंग लकार में अश्रृणोत अश्रृणुताम अश्रृणवन अश्रृणोह अश्रृणुतम अश्रृणुत और अश्रृणवम, यहाँ पर भी गुण अवादेश हो जाएगा तो अश्रृणवम और अश्रृणु अश्रृणुव अश्रृणव अश्रृणुम अश्रृणम, लोप इस तरह से मोह की प्रवृत्ति यहाँ पर भी होगी, दोनों रूप बनेंगे लोप, तो ये स्थिति यहाँ पर हो गई लोपश्चन लोपश्चान्य तरस्याम मोह, ये दो ही लकारों में प्रवृत्ति हो रही है, एक लट लकार में और एक लंग लकार, अन्यत्र नहीं। तो अभी दूसरे क्या है कि वहाँ पर यहाँ पर वस मस के सकार का भी लोप हो जाता है, आपका जो सूत्र आप लोगों ने पहले पढ़ा है वहाँ, तो यहाँ नित्यम गिद सकारांत से गिद नित्यम सकारांत से गिदुत्तम से नित्यम लोप स्यात, तो यहाँ पर ये नित्यम गिता सूत्र से सकार का लोप हो जाता है, तो इसलिए अश्रेण व अश्रेणु व अश्रेण व अश्रेणु म अश्रेण म, इस तरह से दो रूप होते हैं। आगे आपका जो स्वरूप है वो लिंग लकार का है विधिलिंग लकार का, कैसे वो सिद्ध होगा चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आगे सर्वत्र तो दूसरी स्थिति थी, शप होता था गुण अवादेश वगैरह या गुण वगैरह हुआ उसका दूसरा रूप चलता है, अगर अकारांत धातु है तो फिर वहाँ कुछ नहीं होना है, जैसे गदेत गदेताम गदेयु वगैरह है, ब्रजेत ब्रजेताम ब्रजेयु है, तो वहाँ तो बन्य कार्यकार नहीं हुए, यहाँ आप कैसे करोगे, तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग विचार करते हैं। श्रु धातु है आपने लिंग लकार किया, टिप प्रत्यय हुआ, श्रु ती बनेगा, ती में अब ती श्रुति इस अवस्था में यहाँ पर आप याशुट करोगे, याशुट हुआ आपका यासती बन गया श्रु यासती, अब यह यासती की सार्वधातु संज्ञा है, कर्तर से शब प्राप्त होगा उसको बांध करके श्रुवाशी च से श्रु के स्थान में श्री भाव और तो श्नु प्रत्यय, तो श्री श्नु यास्ती, ये स्थिति यास्ती में ती के कार्य की संज्ञा करे यास्ता इतना शेष है, तो श्रु नु यास्ती ये स्थिति। ऐसे अवस्था में आप क्या करेंगे, तो यहां जो है होगा क्या यहाँ कि जो नकार है उसको नत्त हो जाएगा तो श्रेणु या सत्तर है और सकार के सूत्र लिंगा सलोको अनंतस उसे सकार का लोप हो जाएगा तो श्रृणुयात श्रृणुयाताम श्रृणुयुः श्रृणुयाः श्रृणुयातम श्रृणुयात और श्रृणुयाम अश्रृणुयाव श्रृणुयाम, इस तरह से रूप चलेगा, यहाँ लोपस्त्र मोह सूत्र लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा कि यहाँ पर जो है यास बीच में पड़ा हुआ है इसलिए वकार और मकार की साक्षात परता या नहीं बनती, तो ये स्थिति हो गई आपका विधिलिंग लकार की। आशीष लिंग में श्रु धातु ही है, टिप प्रत्यय होगा
श्रुति बनेंगे, इति सिकार को लोप करेंगे या सुट करेंगे, श्रु या सत्ता रहेगा। अब यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति है नहीं, चूंकि अर्धातुक संज्ञा है इसलिए श्रुया श्रुयास्तम श्रुयासु श्रुया श्रुयास्तम श्रुयास्त श्रुयासम श्रुयास्व श्रुयास्म ये रूप चलेगा, जैसे भूयात भूयास्तम भूयास्त वगैरह का चला है। इसके अनंतर आपका लुंग लकार आएगा, अश्रुलुंग मैंने श्रुलुंग है अडागम हो जाए तो अश्रुलुंग, लुंग में यहाँ पर तिप प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन तिप प्रत्यय हो गया, तिप में कार की संज्ञा प्रकार की संज्ञा हो खाली तो अवशेष है, चली होगा सिच हो जाएगा, अश्रु स त बनेगा, अस्त सुप्रक्ति से ईट का भी आगम हो जाएगा तो अश्रु स ई त बने जाएगा। अब यहाँ पर एक काम होना है कि सिच वृद्धि प्रश्नपति सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो श्रु को वृद्धि क्या हो जाएगी, औ वृद्धि हो जाएगी, तो अश्रौ स ई त, तो सकार को आदेश प्रत्यय से शत कर दीजिए तो अश्रौशीत और अश्रौष्टाम अश्रौशुः अश्रौशीः अश्रौष्टम अश्रौष्ट अश्रौसम अश्रौ अश्रौषम मूर्धन्य सकार शम हो जाएगा अश्रौष्व अश्रौष्म। इस तरह से आपका ये लुंग लकार हुआ। अब आप आ जाएंगे फिर लृंग लकार में स्या होगा गुण हो जाएगा तो और स्या के सकार को शत हो जाएगा तो अश्रोष्यत अश्रोष्यताम अश्रोष्यन अश्रोष्यः अश्रोष्यतम अश्रोष्यत अश्रोष्यम अश्रोष्याव अश्रोष्याम। तो ये इस तरह से ये पूरा रूप आपका ये श्रु श्रवणे धातु का चलता है। अब हम एक ऐसे धातु को आपके सामने उपस्थापित कर रहे हैं जिसको आप हमेशा व्यवहार करते हैं, उसको सामान्य रूप से भी व्यवहार करते हैं, उसे उपसर्ग लगा करके अन्य अर्थों को भी लगा लेते हैं, प्राप्त करना है तो अधि लगा लेते हैं, समझना है तो अव लगा लेते हैं। तो इस तरह से अनेक अर्थों में जिसका गमन अर्थ भी होता है, निर्गमन अर्थ भी होता है, आगमन अर्थ भी होता है, ऊर्ध्वगमन अर्थ भी होता है, अधोगमन अर्थ भी होता है, अनेक अर्थ जिसके हो सकते हैं, किंतु सामान्य रूप से जिसका एक अर्थ है और वो गमन धातु है गम लृग गतौ, तो गम लृग गतौ धातु है। अच्छा एक चीज बताना भूल गए यहाँ पर, और वो ये है कि जब हम लोट लकार करते हैं और मध्यम पुरुष एक वचन वहाँ उपस्थित होता है सिप और श्रुवाशी से श्री हो गया और नू हो गया नकार कुण तो श्रेणु सी बनता है, और शेर या पिच सूत्र से सी के स्थान में ही आदेश हो जाता है तो श्रेणु ही बनता है। सामान्य रूप से ही का लोप करने वाला कोई सूत्र नहीं, एक अतो है तो अकार से पर जो ही उसका लोप करता है, और यहाँ ऊ है इसलिए ही का लोप होगा नहीं। तो उसका एक सूत्र यहाँ पर उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, ये कहता है कि संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा जो उकारांत प्रत्यय, उस उकारांत प्रत्यय के ऊ से पर जो ही उसका लुक होता है, तो यहाँ पर संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा उकारांत प्रत्यय है नू और उस ऊ से पर यहाँ पर ही है उसका लुक हो जाएगा, जो लुक हो जाएगा श्रेणु ऐसा रूप बनेगा, और जब लुक के पहले ही एक बार आशीष अर्थ में यहाँ पर ही के स्थान में तातंग आदेश हो जाएगा तो श्रेणु तात रूप बनेगा, तो दो रूप बनते हैं। इसका फिर से एक बार रूप चला देते हैं, श्रेणोत श्रेणुता श्रेणुताम श्रेणवंतु श्रेणु श्रेणुतात, ही का लोप हुआ उतस्य प्रत्याद संयोग पूर्वा सूत्र के द्वारा, इसलिए श्रेणु और जब तातंग हो जाए श्रेणुतात श्रेणुतम श्रेणुत और श्रेणवानी श्रेणवाव श्रेणवाम, ये पूरी स्थिति इनकी हो गई। गमलिर गतौ धातु का मैं आपने लट लकार किया तिप प्रत्यय किया शप किया शकार पकार की इस संज्ञा कर दीजिए गम आती है आपको बना। अब यहाँ सूत्र उपस्थित होता है इशु गम यमाम छह, ये सूत्र कहता है इश धातु गम धातु और यम धातु इनको छकार अंतादेश होता है, एशाम छह से क्या पर रहते शीति पर रहते शकार इत संज्ञक प्रत्यय के पर रहते,
तो शकारित संज्ञक प्रत्यय यहाँ पर कौन है? शप है, शप का अपरे हुए है, इसलिए इसको छकार अंतादेश हो जाएगा। तो गम में अंत में कौन है? माँ है, तो माँ के स्थान में आपने छ आदेश कर दिया, तो क्या बन गया? ग छ अति। और एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है छे च, रस से तुक स्या छे परे, रस हुआ गा का अ और छ परे ही है, जो अभी आप माँ के स्थान में छ करेंगे तुक आगम हो गए, तुक में क्या बचे? खाली ता बचेगा, ता को आप शुद्ध कर देंगे तो चा हो जाएगा, तो गच्छ आति, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, गच्छति, तस आए गच्छता, जी आएगा उसके अंत हो गच्छन्ति, फिर इसके बाद सिप आए गच्छसी, थस आए गच्छता, था आए गच्छत, आएगा तो वहाँ पर जो है तो बन जाएगा आपका गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो ये आपके ये पूरे स्वरूप बनते हैं, गच्छति गच्छताम गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामः। तो ये आपके रूप हो गया। अब जब आप लिट लकार करेंगे तो यह लिट हुआ, तिप हुआ, डल हुआ, गम आ बनेगा। द्वित्वाधिकार करेंगे तो गम गम जगम, ग के स्थान में जा आदेश हो जाएगा कोश्चो सूत्र से, तो ज गम आ बनेगा। अतुपधाय से वृद्धि कर दीजिए तो जगाम बन गया, तो जगाम ये एक वचन हो गया। अब आप आइए द्विवचन में आए, आप गम धाव से आप लिट नकार में द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन प्रथम पुरुष में आप क्या करेंगे? तस करेंगे, तस के स्थान में अतुष आदेश हो जाएगा, गम अतुष बनेगा। अब यहाँ पर दुत्ताभ्यास आदि करेंगे, जगम अतुष बनेगा। जगम अतुष इस अवस्था में सूत्र लग गया, गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनम, कितगित प्रत्यय पर रहेंगे, परंतु कितगित प्रत्यय में भी अंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। तो अंग भिन्न कितगित प्रत्यय पर रहते, क्या होता है? गम धातु, हन धातु, जन धातु, खन धातु और घस धातु, इनके उपधा का लोप होता है, तो इसलिए लिखा इन्होंने एषाम उपधाया लोपः अजादौ कितगित न तु अंगी, अजाद कितगित परे रहते होता है, किंतु साथ में है शर्त है कि अंग परे नहीं होता है। तो यहाँ जो अतुष है सूत्र है, आप जिसको कई बार आप पढ़ चुके हैं, और असंयोगा लिटकित, असंयोगात पर अपित लिट कित स्या, असंयोग से पर यहाँ पर अपित लिट है, उसको किदवद भाव हो जाएगा। तो किदवद भाव होने के कारण गम में जो उपधाभूत ग का है उसका लोप हो गया जगम में, तो क्या बन गया? जग म अतुष, वर्ण सम्मेलन करें, जगमतुष, सकार का रुत विसर्ग है, जग जगमतु, उस आएगा तो जगमुह। और जब सिप प्रत्यय हो, सिप के स्थान में थल हो जाएगा, अब जगम था ये स्थिति है, तो क्राद नियम से जब यहाँ पर इडागम हो जाएगा तो जगमिथ ऐसा रूप बनेगा, किंतु जब इडागम नहीं होगा, विकल्प से इडागम होता है क्योंकि अनिट धातु है गम धातु, तो जगम था ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर जगम का जो माँ है उसका जो है आपका नश्चा पदांतस झलि सूत्र से यहाँ पर उसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार होने पर अनुस्वार से ही प्रसवर्ण से प्रसवर्ण हो जाएगा, तो जगंथ ऐसा रूप बनेगा, तो जगमिथ जगंथ, जगमथु जगम, और जगाम जगम ये मिप वाला जोड़ल है दो होगा, क्योंकि ढलुत्तम वास विकल्प से णित्व होता है, जो जणित्व होगा तो जगाम, और जब णित्व नहीं होगा तो जगम, और जगमिव जगमिम, यहाँ इडागम हो जाए क्योंकि जो है जो थल को थल के में जो है विकल्प से इडागम होता है, और थल के अतिरिक्त जो लिट है उसको नित्य इडागम होता है, इसलिए जगमिव यहाँ पर भी जगाम व जगाम म रहेगा, इडागम हो जाएगा, और ये जो आपका गमहन जैसे लोप आकिंग सूत्र से उपधा का लोप हो जाएगा, तो जगम इव जगम इम वर्ण समय जगमिव जगमिम ये रूप आपके बनते हैं।
तो इस तरह से जगाम जगमतुह जगमुह जगमतुह जगम जगाम जगम जगमिव जगमिम ये पूरा रूप आपका चला। अब आप आ जाइए लुट लकार में, तो यहाँ पर इडागम वगैरह होना नहीं, केवल गम है, तास है, ती है, यहाँ पर भी गम के मकार को आप अनुस्वार करेंगे नस्सा प्रधान से और परसवर्ण कर देंगे, तो गन तास ती ती के स्थान में ड करेंगे और तास इतना में आस इसका लोप करेंगे, तो गंता गंतारो गंतारा गंता से गंतास्ता गंतास्त गंतास्वी गंतास्व गंतास्म ये रूप चलेगा। और इसके अनंतर आपका ये अलग से स्थिति है रूपों की। तो अब हमें जो रूप चलाना है वो आपके जो है वो लृट लकार में, तो यहाँ पर यद्यपि इडागम की प्राप्ति करने वाला कोई सूत्र नहीं है, परंतु अलग से ही सूत्र केवल इसी प्रयोग को सिद्ध करने के लिए गमे रिट परस निपदेशु सूत्र है, गमे परस सादेश राधातुक से इट से आता, तो गम से पर जो सकारादि अर्धातुक उसको इडागम होता है, तो इसलिए यहाँ पर इडागम हो जाएगा स्या को, स्या सकारादि अर्धातुक है, तो इसलिए गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथ गमिष्याम गमिष्याम गमिष्यामः, यह आपका लृट लकार का हो गया। लोट लकार गाएंगे तो फिर उसी ढंग से है, गच्छतु गच्छति बनाए ती को ऊ कर दिया, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत और गच्छानि गच्छाव गच्छाम के रूप चलेगा। और इसके पश्चात जो है लंग लकार में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छम, बिधरी लकार में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेः गच्छेतम गच्छेत और गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, लुंग जो है आशीष लिंग लकार में गम्यात गम्यास्ताम गम्यासु, यहाँ पर और किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, सामान्य रूप से गम्यात गम्यास्ताम गम्यासु गम्या गम्यास्तम गम्यास्त गम्यासम गम्यास्व गम्यासु। किंतु जब यहाँ आप लाएंगे लुंग लकार लाएंगे तो गम गम धातु लुंग लकार अडागम हो गया, अगम लुंग लुंग में आप यहाँ पर एक वचन तिप लाएंगे अगम ती बनेगी, इकार की संज्ञा हो जाएगी, ती के यहाँ ती के सार धातु से कर्त शब की प्राप्ति होगा, शब को बांध करके यहाँ पर चिली हो जाएगा और चिली के स्थान में सिज प्राप्त हो उसको बांध करके सूत्र उपस्थित होता है पुषाद द्विता धृता परस्वय प्रदेश, क्या है पुषादि गण पठित धातु द्युतादि द्युतादि गण पठित धातु और लृदित धातु, इनसे पर जो चिली है उसके स्थान में अंग आदेश होता है परस्मय पद परे रहते हैं, तो परस्मय पद परे है ही यहाँ और चिली है, चिली के स्थान में अंग आदेश हो जाएगा, तो अगम अत वर्ण सम्मेलन कर लीजिए, तो अगमत अगमताम अगमन अगमह अगमतम अगमत और अगमम अगमाव अगमाम, और लृंग लकार में गमरिट परस्मय पदेश वहाँ पर ईडागम हो जाए तो अगमिष्यत अगमिष्यताम अगमिष्यन अगमिष्य अगमिष्यतम अगमिष्यत अगमिष्याम अगमिष्याव अगमिष्याम। तो इस प्रकार ये आपका आज इस भादि प्रकरण के जो सार्वधातुक नारायण जो आपके परस्मय पदी जो नित्य परस्मय पदी धातु हैं उनका पूरा विवेचन यहाँ पर किया गया। कल से हम लोग आत्ने पदी जो धातु हैं उनका कैसे विचार होता है, कैसे रूप सिद्धि होती है, किस प्रकार विचार होता है, इस पर पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ आज का ये जो ज्ञान सत्र है तो यहीं पर पूर्णता को प्राप्त करता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।